नमस्कार आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से HRI न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। सभी अपडेट्स आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा होगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं तेजस्वी यादव। 3570 किलोमीटर के सफर के लिए लालू से मुलाकात कर कांग्रेस के नेताओं ने किया है आमंत्रित। खबर बताते चलें, कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर की 150 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा लगातार अपने पड़ाव की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। दरअसल दोस्तों खबर आ रही है कि बिहार में कांग्रेस के नेताओं ने 18 सितंबर को राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उनके माता पिता यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात की और तेजस्वी यादव से राहुल गांधी के पैदल मार्च में शामिल होने का आग्रह किया है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि 12 राज्यों के अभियान को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है। और वहीं रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस समय की दोस्तों सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आई, एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल से बेहद बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय एजेंसियों की ज्यादतियों के खिलाफ प्रस्ताव ममता बनर्जी ने किया है पारित। ममता बनर्जी ने पीएम नहीं भाजपा के इन नेताओं को घेरा है। खबर बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की ज्यादतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह प्रस्ताव नियम 169 के तहत प्रस्ताव पारित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी CBI ED का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाजपा के कुछ नेता ऐसा अपने हितों के लिए कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों की ज्यादतियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पर ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं पीएम मोदी से सरकार और पार्टी के कामकाज को अलग अलग रखना सुनिश्चित करने का आग्रह करती हूँ। ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाया है और केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार की तरफ से उसके खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। इस समय की बड़ी खबर थी दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। यूपी की राजनीति से बड़ी खबर है, अखिलेश यादव के समर्थन में उतरी है बसपा सुप्रीमो। मायावती बोली, सपा के खिलाफ द्वेषपूर्ण रवैया अपनाना भाजपा की अहंकारी सोच है। यूपी में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालते हुए सरकार को जमकर के घेरना चाहा, लेकिन लखनऊ पुलिस ने सपा के पैदल मार्च को बीच में ही रोक दिया। पुलिस के रोके जाने पर अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ वहीं पर धरने पर बैठ गए और भाजपा सरकार के खिलाफ कड़ा जुबानी प्रहार किया है। सपा के पैदल मार्च को रोके जाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। उन्होंने ट्वीट में सपा का समर्थन करते हुए कहा कि प्रतिपक्ष के खिलाफ द्वेषपूर्ण रवैया अपनाना भाजपा की अहंकारी सोच है। ये यहां पर अखिलेश यादव के समर्थन में उतरी हैं BSP प्रमुख मायावती। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा जो बिहार में हुआ है वो पूरे देश में होने जा रहा है। रोजगार के बहाने तेजस्वी यादव का भाजपा पर निशाना, रोजगार को लेकर के विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर है। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष भाजपा पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। इन सब के बीच में बिहार के उप मुख्यमंत्री और RJD के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। अपने हालिया बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जिस तरीके से युवाओं को रोजगार दिए जाने का काम चल रहा है उससे भाजपा डर गई है। खबर के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा का पहला डर 2024 का चुनाव है, जो कि बिहार में हुआ वो अब पूरे देश में होने जा रहा है। इनका दूसरा डर है कि इनको पता है कि कुछ दिनों में बिहार में लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी निकलने वाली है। अपने बयान में तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि इनको 8-9 साल हो गए, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देना था, इन्होंने नहीं दिया। इनको लगता है कि बिहार अगर नौकरी दे देगा
तो हर राज्य में मांग उठेगी कि उस राज्य में भी लोगों को सरकारी नौकरी मिले, जो भाजपा की सरकार कर ही नहीं सकती है, इसलिए भाजपा डरी हुई है। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से बयान आया है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की प्रतिक्रिया से बौखला गई है भाजपा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है बड़ा बयान। कांग्रेस ने भाजपा पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के गलत सूचना देने और झूठ का सहारा लेने का आरोप लगाया है और कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व के यात्रा की सफलता पर डर और हताशा को दर्शाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया है कि यह निराशा राहुल गांधी पर हमला करने में भाजपा नेतृत्व के कार्यों और भाषणों में दिखाई देती है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि यात्रा के दौरान जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है इस यात्रा को। और वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए देश ने देखा है बेरोजगार युवाओं का दर्द। इस पर राहुल गांधी बोले, इन्हें हारने नहीं देंगे। ये यहां पर इस समय की बड़ी खबर है। लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है अपने पड़ाव की तरफ। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन लोटस के दावों के बीच पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पेश करेगी विश्वास मत। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, पंजाब में आम आदमी पार्टी के द्वारा विपक्षी दल बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने इस बाबत ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की किसी भी करेंसी में लोगों की आस्था का कोई मूल्य नहीं है। आप लोगों को बताते चलें, उनका कहना है कि पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और विश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एक वीडियो संदेश में सीएम भगवंत मान ने कहा है कि बीते दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हमारे विधायकों को लालच देकर के अपनी ओर करने की कोशिश की गई थी, ताकि पंजाब की जनता के द्वारा भारी बहुमत से चुनी गई सरकार को तोड़ा जा सके। लेकिन इन्हें ये नहीं पता, जिस वक्त पंजाब में चुनाव चल रहे थे और वोटिंग हो रही थी, तब भी लोगों को लालच दिया गया था। लेकिन लोगों ने इन पैसों और लालच को लात मार करके हम पर विश्वास किया। हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है ऑपरेशन लोटस के द्वारा, इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये यहां पर कहना है पंजाब के सीएम भगवंत मान का। एक और खबर बताते चलें, बीजेपी पर हमला करते हुए बोले हैं टीएमसी के नेता मदन मित्रा, हिंसक प्रदर्शनकारियों को 10 मिनट में सिखाया जा सकता है सबक। खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछले मंगलवार यानी कि 13 सितंबर को राज्य सचिवालय नबन्ना तक के विरोध मार्च निकाला और इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने काफी उत्पात भी मचाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प व हिंसा हुई, जिसको लेकर के टीएमसी के नेता मदन मित्रा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा और पुलिस पर हमले में शामिल लोगों को सिर्फ 10 मिनट में सबक सिखाया जा सकता है। हालांकि टीएमसी के नेता मदन मित्रा ने यह भी कहा है कि टीएमसी भाजपा की विघटनकारी नीतियों के प्रतिशोध में इस तरह की कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। ये यहाँ पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुँचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।